लेकिन ऑफिशियली किसी ने यूट्यूब पे नहीं दिखाया हुआ आज तक, बस मतलब फर्स्ट टाइम है। हाँ, फर्स्ट टाइम कह सकते हैं इस चीज तो। भाई ये देखो, ये हेडलाइट प्रोजेक्टर है, इसका आउटपुट आप चेक करो भाई, ये थोड़ा ज्यादा चौड़ाई कवर करेगा। इनबिल्ट एलईडी वाला रहने वाला है, जो कि आता है अपना 150 वाट में। मॉडल में डिफरेंस है, Q8 मॉडल है विद लेजर, और ये जीवा का रेगुलर टाइप है। हाँ, ये विद लेजर है, इसमें भी लेजर है। हाँ, इसमें भी लेजर। ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, घर बैठे मंगाना चाहते हो घर बैठे मंगा सकते हो। ये देख सकते हो भाई, क्या अल्टीमेट प्रोजेक्टर है, हाई बीम के साथ लेजर भी है। अच्छा, लेजर भी इसके अंदर, प्लस लेजर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप करता हूँ सब बढ़िया होगे। तो गाइस, आज की वीडियो हमारे साथ है मन्नू भैया। तो भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया भैया। तो भैया, इस बार हम भाई प्रोजेक्टर की रेंज लेके आए हैं, कितने रहने वाले अपने? 6। हाँ, 6 अलग अलग तरह के हैं, पर ब्रांड साइजेस में है, और स्पेसिफिकेशन ये है कि 5 इसमें फॉगलाइट के हैं और एक आपका जो है हेडलाइट का, जिसमें भाई आपने देखा होगा हेडलाइट में हम जैसे बल्ब रहता है तो उसमें हम प्रोजेक्टर वगैरह लगा लेते हैं, फिर ऊपर से उसमें डेमो नाइट वगैरह करा लेते हैं, वो वाला सीन है ना। बट देखो, 99% मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, मैं बहुत क्लियर बताऊं, क्योंकि कल को जाकर के आपकी लाइट के अंदर कोई दिक्कत परेशानी आए, या फिर आप कहें कि यार मेरे को मॉइस्चर जा रहा है, देखो जाता है, मैं बहुत क्लियर बताऊं, जाते ही फिर मैं रिकमेंड ही नहीं करता कभी भी जिंदगी के अंदर कि हेडलाइट में किसी को चुल होती है ना कि भैया लगाना ही लगाना है। हां, तो भैया ऑप्शन है, लगाओ, बिल्कुल लगाओ। तो भाई ये देखो, जीवा के भाई ये 6 प्रोजेक्टर रहने वाले हैं, और भाई 6 के 6 दमदार रहने वाले हैं ना। 6 के 6 दमदार रहने वाले हैं, सबका आउटपुट दिखाएंगे एक एक का। ऐसा नहीं है कि भैया बता दिया दिखा दिया और खत्म, पर पहले सबकी स्पेसिफिकेशंस बताएंगे, बिल्कुल, उसके बाद डिफरेंस समझाएंगे कि ये महंगा क्यों है, ये सस्ता क्यों है, इसके अंदर क्या खासियत है, इसके क्या खासियत नहीं है। तो हर एक चीज के ऊपर पूरी प्रॉपर बातचीत करेंगे, कौन सी प्रोडक्ट की कितनी वॉट है, और कौन सा प्रोडक्ट कितनी वैल्यू फॉर मनी है, नहीं है, क्या ऑफर चल रहा है, क्या डिस्काउंट है, हर एक चीज के बारे में टोटल बात करेंगे। बिल्कुल, तो सबसे पहले कौन सा धमाका करने वाले हम? देखो, हमारा जो है स्टार्टिंग रेंज, हम यहीं से लेके चलेंगे। ये देखो भाई, ये जीवा वाला प्रोजेक्टर 150 वाट चुके हैं, इसके बारे में तो सारे लोग जानते ही है। बिल्कुल, तो इसको ना दिखा करके फिर भी चलो दिखा देते, वैसे तो ऑलरेडी जनता देख चुकी है। ये देख लो भाई, ये कुछ इस तरीके से रहने वाला है अपना जीवा का प्रोजेक्टर, जो कि इनबिल्ट एलईडी वाला रहने वाला है, जो कि आता है अपना 150 वाट में। तो भाई ये है इस तरीके का, इसका रिस्पांस भी हमने आपको चेक कराया हुआ है, फिर भी वीडियो में चेक करा के, मतलब फिर भी आपको चेक करा के दिखाएंगे ना वीडियो में। तो ये हो गया, एक ये हो गया हमारा। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है, और अगर भाई किसी को GTR चाहिए तो GTR भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि भाई GTR नहीं मिलेगा। 2 इंच भी है हमारे पास इसके अंदर में, 2 इंच। अच्छा, जीवा के अंदर भी अपना 2 इंच मिल जाएगा, 2 इंच आ गया है। टोयोटा में तो प्रॉपर बैठेगा ये, बिल्कुल, फॉर्च्यूनर में या फिर हमारा उसकी होगी अपनी। ये देख लो भाई, और सबसे अच्छी बात क्या, ये प्लग एंड प्ले है, ये चेक करो भाई, ठीक है। यहाँ आपको हाई लो बीम के लिए मिल जाएगा और एक लेजर के लिए मिलेगा। ये कुछ भाई इस तरीके से, ये कुछ आने वाला प्रोजेक्टर भाई, ये देख सकते हो भाई, क्या अल्टीमेट प्रोजेक्टर है। ये अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये कुछ इसका साइज, ये देखिए भाई, इसकी पैकेजिंग वगैरह अगर दिखाएं तो ये कुछ इस तरीके से बहुत प्रीमियम भाई इसका। तो ये कितने वॉट का रहता है अपना भैया? ये भी लगभग भी वही 150 वॉट के आसपास, 150 के आसपास ही, बहुत प्यारे, बिल्कुल। और अभी ना आपको प्राइसिंग वगैरह जब बताएंगे, जब इसका आउटपुट हम चेक करेंगे ना, बिल्कुल। तो भाई देखो, ये तो ये वाला हो गया, अब नेक्स्ट ये 4 रह गए। इसके अंदर मैं बताता हूँ क्या है, आपको डिफरेंस समझा दूं, 2 इंची का प्रोजेक्टर है बेसिकली, और इसके अंदर अगर आप वरना में i20 में, मतलब हुंडई की जो 2 इंच वाली गाड़ियां आती है, उसमें आपको थोड़ी सी कटिंग एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, क्योंकि इसका से थोड़ा सा बड़ा है, 2.2 कह सकते हैं इसको हम, बिल्कुल। और जो फॉर्च्यूनर के अंदर प्रॉपर बैठता है, क्योंकि वैसे तो फॉर्च्यूनर के हिसाब से हमने मंगवाया था, बट जो i20 वरना या ऐसी गाड़ियां हैं, इनके अंदर में थोड़ा सा 19-20 हमें कटिंग करनी पड़ सकती है, बिल्कुल। और बात करें इसकी, तो भैया इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, प्योर वाइट आपको मिलेगा सबसे पहली चीज, दूसरी चीज लो हाई बीम है, तीसरी चीज एक एक्स्ट्रा जो है, जो इसको बाकी प्रोजेक्टर से अलग करती है, वो है इसके अंदर हाई बीम के साथ लेजर भी है। अच्छा, लेजर भी इसके अंदर, प्लस लेजर, दोनों चीजें हैं, आप इकट्ठे भी यूज कर सकते हो, सेपरेट भी यूज कर सकते हो। तो भाई मतलब कि जैसे ऑफ रोड वाला प्रोजेक्टर हमने दिखाया था, वो लेजर वाला, तो एक में 2 का मजा रहने वाला है। हाँ, कह सकते हैं, मतलब कि फोकस को और ज्यादा एक बूस्टअप वाला फील कर देता है। तो भाई इसको ना चेक कराने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, तो इसको भी ले। एक दूसरा मॉडल भी इसमें आता है, जिसके अंदर ये ऊपर का खांचा टाइप देख रहे हो आप, ये नहीं बना होगा, वो प्लेन होगा, वो प्लेन होगा, प्लेन होगा, तो वो वाले में थोड़ा सा मेरे को इसके मुकाबले में रोशनी कम लगी है, बट बजट अकॉर्डिंगली दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है, और इसका रिस्पांस उससे ज्यादा अच्छा है, बट वो भी अपनी जगह कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है प्राइस के अकॉर्डिंगली। अरे वाह, तो ये हो गया 2 इंच वाला। अब ये जो 4 बचे हैं अपने पास, ये
थ्री इंच वाले हैं कौन से अपने? एक इसमें दो इंच है, दो इसमें है हमारे पास तीन इंच में कॉगलेट में ही, और एक हमारे पास है हेडलाइट का। तो भाई साहब ये देखो, ये कुछ इस तरीके से मिलेगा आपका तीन इंच वाला भाई। अब तीन इंच में भी बता दूं फर्क क्या है, हमने आपको ये वाला दिखाया, ये वाला 150 वाट, ठीक है, 150 वाला तो आपने हमने ज्यादा देखा ही हुआ है, काफी पॉपुलर है, ठीक है, ब्लू लेंस में आएगा ये। बट यहाँ पे अगर बात करें ब्लू लेंस के साथ साथ ना, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ आएगा, बिल्कुल मॉडल में डिफरेंस है। ये Q8 मॉडल है विद लेजर, हाँ, और ये जीवा का रेगुलर टाइप है, हाँ ये विद लेजर तो है, लेजर है, हाँ इसमें भी लेजर है। अरे वाह, ठीक है, ये हमारा विद लेजर है, ठीक है, हाई बीम पे लेजर चलेगा इसके अंदर, और जो इसका डिजाइन है ये फुल मेटल ब्लैक में आएगा आपका, ऐसा नहीं है जैसे इसमें, हाँ ये सिल्वर टोन नहीं है, ये फुल ब्लैक में आएगा। तो इसकी पहचान है, ये Q8 मॉडल नंबर है, तो ये रेगुलर अपना है, ये Q8 है, ये प्रीमियम सेगमेंट में आ जाता है, ये थोड़ा सा आपका जो एक क्वालिटी GTR को टक्कर देती है ये उस लेवल पे है। GTR से अगर ऊपर जाना है तो Q8 पे आप जा सकते हैं, बिल्कुल। तो भाई मतलब मैं इसलिए मॉडल में आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ ताकि आपको समझाने में इजी हो कि भाई जीवा का कौन से वाला प्रोजेक्टर, तीन इंच में भी तीन वैरायटी है, कौन से वाली वैरायटी है, Q8 नॉर्मल है, Q8 विद Q8 प्रो विद लेजर है, दो वैरायटी है इसमें। तो भाई ये देखो, तो ये अपना लेजर वाला, इसमें एक सिंपल वाला भी है क्या? हाँ सिंपल वाला। तो वैसे कितने वाट का होता है अपना ये? ऑलमोस्ट सारे 130-140 वाट के अंदर ही है सारे के सारे। अच्छा 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 अच्छा, तो भाई ये देखो ये वाला हो गया। अब दिखाना चाहें अब नेक्स्ट अपना कौन सा रहने वाला है? नेक्स्ट आएगा अपना, सरप्राइज ही है फिलहाल तो हमारे लिए भी, ये देखो भाई ये आ गया नेक्स्ट अपना, ये अगेन 2 इंच है, 2 इंच है। और जीवा की ब्रांडिंग वगैरह होगी यहाँ पे इसकी, और यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई कट वगैरह नहीं है इस जगह पे, ये बिल्कुल जैसे 3 इंच ही आता है वैसा ही कट आउट देगा। इसका पे अंदर एक प्लस पॉइंट क्या है कि इसके अंदर आपको हाई बीम बहुत ही शार्प मिलेगी, जैसे आपको रेगुलर 3 इंच ही मिलती है ना अच्छी हाई बीम, मतलब कि नॉर्मली क्या होता है 2 इंच के अंदर पता ही नहीं चलता हाई बीम जल भी रही है, जल भी रही है, बट इसके अंदर ये प्लस पॉइंट है इसका हाई लो प्रॉपरली शटर अप डाउन होता है तरीके से। तो भाई ये हो गया, अब नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा हमारे पास वो ये चेक करो भाई, ये आने वाला जो है हमारा हेडलाइट का प्रोजेक्टर है। अब इसके अंदर दोनों ऑप्शन है, देख लो, अगर पीछे की बात करें तो बैक साइड से चूड़ी दी हुई है, तो चूड़ी आप H4 अगर आपकी गाड़ी है या H7 है तो उसके अंदर आप लगा सकते हो, मतलब जिसके अंदर प्रोजेक्टर नहीं आता लगा हुआ, बिल्कुल। अगर किसी को इसी को यूज करना है उस गाड़ी के अंदर जिसमें प्रोजेक्टर लगा हुआ आता है, तो ये OEM रिप्लेसमेंट का पार्ट भी है। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब ये दोनों तरह के हिसाब से लगा सकते, मतलब चाहे जिसमें कंपनी फिट आ रहा हो या ना भी लगा सकते हो, इन शॉर्ट में A to Z बात खत्म, किसी भी कार में लगा सकते हो आप, किसी भी कार में। तो ये इनबिल्ट LED वाला है अपना, सब इनबिल्ट LED वाला है, एचईडी वाला कोई भी नहीं है। तो ये कितने वाट की रहती है इसके अंदर? सब ऑलमोस्ट 120 150 140 वाट के आसपास ही है, बिल्कुल। अभी ना आउटपुट वगैरह हम चेक करेंगे इसका ना पार्किंग। कभी कभार क्या होता है कंपनी ज्यादा वाट लिख देती है बट एक्चुअल में उतने वोल्टेजेस होती नहीं है, 10-20 वाट का देखो हर कंपनी अपना फर्क रखती है, और एक्चुअल जो पावर है ना तो 140 150 वाट से ऊपर कोई भी कंपनी की नहीं जाएगी। अब जितना मर्जी महंगा प्रोजेक्टर ले लो, जितना मर्जी सस्ता प्रोजेक्टर ले लो, ऑलमोस्ट 140 150 160 वाट के अंदर अंदर वो लिमिट मतलब हो जाएगी, उसके बाद वो नहीं बढ़ सकती उसकी पावर, बिल्कुल। तो भाई देखो ये हमारा जो ये रहेगा वो ये वाला मॉडल है, Q8 है, मतलब ये पॉकेट प्रोजेक्टर ही नॉर्मल वाला है, ये नॉर्मल है। अभी आपको दिखाया था लेजर वाला, तो ये नॉर्मल रहने वाला है। तो प्राइस में तो डिफरेंस होगा दोनों में, है ना? बिल्कुल डिफरेंस होगा भैया, तो ज्यादा फर्क नहीं, सिर्फ 1000 रुपए का फर्क है, 1000-1500 रुपए का फर्क है, बिल्कुल। तो भाई ये हमने आपको दिखाई है सारे, तो पार्किंग में लेके चलेंगे इनको सीधा पार्किंग में, तो पार्किंग में लेके चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इनका आउटपुट रिस्पॉन्स। सो गाइस अब आ चुके हैं भाई पार्किंग में, और देखो पार्किंग में आते आते हमें नेक्स्ट डे हो चुका है और भैया कपड़े चेंज हो चुके हैं ना। तो भाई ये देखो कुछ इस तरीके की भाई कारिस्तानी चल रही है। तो मन्नू भैया ये कौन सा प्रोजेक्टर आ गया ये बताओ? डेमो बनाया भैया हमने अपने, ताकि कस्टमर्स को ना हम एक इजी वे में समझा सके, दिखा सके, जहां मर्जी इसको ले जा सकते हैं हम और यूज कर सकते हैं। पिछले एक या दो डेमो पीस आया कंपनी की तरफ से हमारे पास, बट ये रिटर्न चले जाएंगे अभी, बट थोड़े टाइम बाद वापस से आएंगे नए पीसेस बन के। तो हमारे पास सारी वैरायटी होगी प्रोजेक्टर्स की, जिसके अंदर हम ऐसे ही इंस्टॉल करके दिखाएंगे भाई। ये देखो ये वायरलेस है, ये कुछ अलग तरीके का प्रोजेक्टर आप देख रहे होंगे, पर ये चाइना में ही शायद किसी एक बड़ी इंडस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा, हाँ हाँ। पर
अभी तक किसी ने भी मेरे हिसाब से तो नहीं दिखाया, लोगों ने देखा होगा लेकिन ऑफिशियली किसी ने यूट्यूब पे नहीं दिखाया होगा आज तक, बस मतलब फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम कह सकते हैं। तो भाई ये देखो ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पर मिलने वाली है, तो ये 2 इंच वाला प्रोजेक्टर है तो उसका आउटपुट चेक करेंगे ना, जो कारिस्तानी होती है वो हमारे चैनल पे सबसे ज्यादा होती है भाई, भाई ये तो है। तो अब सबसे पहले हम इसको चेक करा रहे हैं आउटपुट, जैसे हम कार में लाके चेक करा रहे थे। तो भाई अब ये कुछ नया सॉल्यूशन है, अब ये चेक करो भाई, ये है कुछ इस तरीके का रिस्पांस 2 इंच प्रोजेक्टर का। लो बीम है ये, लो बीम इसके अंदर 3 फंक्शन है। पहला फंक्शन है इसके अंदर लो बीम का जो आपने देखा, एक फंक्शन इसके लो हाई बीम का, ये देखो हाई बीम, अरे वाह। तो भाई साहब ये देखो, थोड़ा सा इस तरफ कर दे, इसकी रेंज चेक कर दे, थोड़ा सा आगे करो, ये देखो, ये देखो भाई, ये एक ऐसी चीज है यहाँ पे लगता है ये, हाँ। ये आता है इसका लेवलिंग, हाँ। लोगों को पता है क्या लगता है कि भाई ऐसे लगा देंगे तो मजा आ जाएगा या ऐसे लगा देंगे तो मजा आएगा, ऐसा नहीं होता कभी भी, हमेशा लेवलिंग ये होती है, ये देखो। सामने वाले को दिक्कत ना हो, ठीक है, ये आएगी तो इसमें क्या होगा कि किसी के बोनट, ये जो बोनट है ना, कोशिश हम ये करते हैं कि बोनट से ऊपर ना आ जाए, जितना मर्जी ये लंबी रेंज ले ले। हाँ ये देख रहे हो, ये जो बोनट इसका दिख रहा है सामने इंडिका खड़ी है, जो अगर आप बाहर भी देखोगे तो बिल्कुल आखिरी तक भी उसके शटर से, मतलब जो आपका बोनेट है ऑलमोस्ट उससे नीचे ही है लाइट, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हाई बीम करेंगे तो ऊपर जाती है, देखो है ना, हाई बीम करेंगे तो यहीं पे आप देखेंगे, हाई बीम पे तो नेचुरल सी बात है जाएगी जाएगी जाएगी, जाएगी, बट लो बीम के ऊपर आपका चलता ही नेक्स्ट लेवल है। ये देखो, तो ये है अपना 2 इंच वाला, तो ये अपना लेजर वाला है ना, ये आपका हाई बीम हो गई, हाँ हाई बीम के बाद इसके अंदर ये लेजर भी आती है, ये देखो इसके अंदर लेजर भी है, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो लेजर ना यहाँ से पता चलती है, लेजर एक यहाँ आएगी और एक ये देखो हाई बीम के ऊपर, देखो डार्क और कम हो रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो, अरे वाह। तो अब ये लेजर का भी काम कर रही है, मतलब एक प्रोजेक्टर में 2 कमजा रहने वाला है, बिल्कुल। इसके अंदर क्या है कि हाई बीम आपकी और पावरफुल हो जाएगी, तो देखो इस तरफ को करना थोड़ा सा, ये देखो भाई, अब लेजर बंद करना या ऑन है, ये देखो ऑफ हो गया, लेजर ऑन करना, ये लो बीम, ये लो बीम हो गई, ये देखो और ये लेजर, अरे वाह। तो लेजर का आपको भाई क्यों, हाँ ठीक है, और ये हाई बीम, ये देखो भाई हाई बीम का मजा थोड़ा सा और अच्छा कर देती है, ये तो है। तो मनु भैया क्या रेट आता है इसका, इसका भैया हमारे जो अभी रेट निकाला है वो 11,500 रुपए निकाला है। और ये कौन कौन सी कार में लग सकता है, ये 2 इंच कोई भी गाड़ी हो सब में लग सकता है। इसके अंदर एक और मॉडल आता है वो विदाउट आपके उसके आता है लेजर, लेजर के आता है, वो सस्ता आता है, वो 99,100 रुपए का, बिल्कुल। वो भी अभी आपको चेक कराएंगे ना, एक ही हो गया चेक कराएंगे, एक करके सारी चीजें चेक करा रहे हैं, यहाँ पे आपकी गाड़ी की टेस्टिंग चल रही है। इसके बाद एक हेडलाइट का प्रोजेक्टर है तो वो भी हमारे पास रेडी पड़ा हुआ था, तो वो भी चेक कराते हैं, उसके बाद सारे जो प्रोजेक्टर बचेंगे वो गाड़ी के ऊपर चेक कराएंगे, बिल्कुल। तो देखो एक ही हमने चेक करा दिया, तो दूसरा अपना वोरा कार के अंदर, तो वो भी आपको चेक कराते हैं। तो भाई ऐसी ऐसी चीजें, तो अभी अभी देखो फिलहाल अभी इधर वायरिंग हो रही है, तो इसमें भी जैसे हम चेक कराते हैं आपको वैसे चेक कराएंगे। तो अभी ये आ गया अपना दूसरा हेडलाइट प्रोजेक्टर, बिल्कुल जीवा कंपनी का है, ब्रांडिंग आपके यहाँ दिख जाएगी, ये देखो भाई जीवा दिख गया होगा आपको, ठीक है। तो ये देखो ये हेडलाइट प्रोजेक्टर है, इसका आउटपुट आप चेक करो भाई, ये थोड़ा ज्यादा चौड़ाई कवर करेगा जस्ट बिकॉज ये हेडलाइट का है, फॉगलाइट वाले में थोड़ा सा अपना एक पैटर्न उनका होता है। यहाँ की बात करें तो ये देखो भाई इसमें जो सिर्फ लोबी में, हाँ। तो अगर कोई बंदा इसको ऊपर हेडलाइट में लगा दे, नीचे अपना जैसे किसी के 2 इंच या 3 इंच वाला लगेगा, तो भाई वो तो जालो जालो कर देगा ना, नेक्स्ट लेवल हो जाएगा मामला इसमें। ये देखो भाई साहब क्या अल्टीमेट है, अगर ये देखो यहाँ तक की आपकी लगभग एक लो बीम होगी, और लो बीम के बाद मुझे लगता नहीं आपको कोई जरूरत पड़ेगी ऐसी हाई बीम, आपको जरूरत पड़ेगा उसके बाद अगर हम हाई बीम करें इसमें भाई। ये देखो ये कुछ इस तरीके का आउटपुट आ रहा भाई साहब, फुल अल्टीमेट हाई बीम, अरे वाह। तो इसका नेक्स्ट लेवल वाली चीज है, तो इसका क्या रेट आता है, ये वाले का जो रेट हमने निकाला है लगभग 15,000 रुपए का प्रोजेक्टर आएगा ये वाला। इसके अंदर सस्ते भी आते हैं बट वो अदर ब्रांड्स में आएंगे, जीवा के अंदर जो ये वाला मॉडल आता है ये वाला मॉडल आपका 15,000 का आता है। मतलब ये इसके अंदर प्लस पॉइंट क्या है, लोगों की गाड़ियों के अंदर क्या होता है लिखा होता है कि हाई वोल्टेज है, बट ये एक्चुअल में काफी हाई वोल्टेज है, और ये 65 वाट हाई बीम के हैं और लो बीम पे 55 वाट है एक्चुअल, बिल्कुल। तो ये कितना वोल्टेज बताया आपने इसका, 130 वाट इन टोटल, 130 इन टोटल। तो भाई ये देखो ये कुछ इस तरीके से है, और इसका आउटपुट वगैरह आपने देख लिया होगा कि कैसा आ रहा है भाई, फुल अल्टीमेट। तो अब नेक्स्ट कौन सा चेक कराने वाले हैं, प्राइस भी हम दिखाते हैं आपको एक बारी, लेकिन इसकी रेंज की बात करें तो यहाँ पे देखिए, और भाई ये देखो टावर, अगर जिसने टावर दिखा दिया तो वो सक्सेसफुल है ना, ये टावर वाला बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, मतलब जिसके अंदर आपको टावर दिख गया ना अल्टीमेट। ये देखो जिसने टावर छू लिया ना वो पास है भाई पप्पू, ये देख लो ये हाई बीम पे है, लो बीम पे, हाई बीम पे, लो बीम पे आपका ये आएगा। मैं थोड़ा सा इस तरफ आता हूँ, अब दिखेगा, देखो धूल भी उड़ रही है इधर, ये देखो भाई ये लो बीम पे है, ये हाई बीम पे,
अरे वाह, मतलब हेडलाइट में भी भाई पूरा दम है। तो ये है कुछ इस तरीके की। अब नेक्स्ट क्या दिखाने वाले हैं भैया? ये तो ये उसके बाद दिखाते हैं 2 इंची 3 इंची दोनों के, दो दो ऑप्शन और बचे होंगे शायद, एक या दो ऑप्शन और बचे होंगे, तो वो दोनों दिखाते हैं पहले। तो गाइस अब आ चुका है भाई अपना नेक्स्ट प्रोजेक्टर, ये भी अपना जीवा का ही है ना, जीवा Q8 है भैया, Q8 Pro है, सॉरी ये Q8 Pro, ये मॉडल नंबर है इसका ना। तो इसका साइज और जो एक एरिया कवर करने का तरीका है वो अलग है बिल्कुल। ये देखो भाई ये कुछ इस तरीके से है भाई, ये प्रोजेक्टर है नीचे के लिए, फॉग लैंप प्रोजेक्टर, ये चेक करो। एक हमने आपको दिखाया हेडलाइट प्रोजेक्टर, ये है अपना भाई फॉग लैंप प्रोजेक्टर। तो ये जो भी था ये सारा जीवा का ही दिखा रहे हैं आज हम, सारा जीवा का ही दिखा रहे हैं। तो जैसे हमने दुकान पे दिखाया था वो वाला जिसमें ब्लैक था पूरा, ये पूरा ब्लैक है और लेजर है। हाँ ये देखो, तो इसका हाई बीम करें तो हाई बीम का कनेक्शन जोड़ रहे हैं। ये देखो, ये देखो भाई ये कुछ भाई इस तरीके से है। तो ये लेजर वाला अपना, हाँ लेजर भी है इसके अंदर। हाँ। लेजर हमने ऑन नहीं की थी, लेजर चाहो तो वो भी ऑन कर सकते हैं। अच्छा जोड़ने पड़ते भाई, ये देखो स्कोप टावर के पास लेके चले गए और ये भी पास हो चुका है, देखो प्रॉपर बढ़िया दिख रहा है। हेडलाइट वाले पास था, ये भी पास है। तो ये देखो कुछ इस तरीके की इसकी शेप आती है हाई बीम पे और लेजर पे, है ना, ये लेजर के साथ है, लेजर वाले पे ये वाला एक एरिया बनेगा, ये लेजर वाला एरिया है, चौरस वाला देखो तो यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का बना होगा, ये ऊपर की तरफ जो ये बन रहा है ये वाला बॉक्स है ना, ये लेजर में बन के आएगा अपना। तो भाई ये हो गया, तो इसका क्या प्राइस मिलता है? 11,500 आएगा अभी इसका रेट, 11,500 रुपए फाइनल प्राइस। हाँ इसमें 11,500 रुपए रेट है, बाकी देखेंगे अगर कोई ऑफर इन फ्यूचर में होगा तो तब की देखेंगे उसको। बिल्कुल, तो भाई ये हो गया, अब नेक्स्ट आपको चेक कराते हैं नेक्स्ट कौन सा रहने वाला है। सो गाइस अब आ चुका है अपना नेक्स्ट प्रोजेक्टर, तो इसमें भाई अपने लेजर का ऑप्शन नहीं आता है ना। हाँ ये Q8 प्लेन है, ये Q8 प्लेन है, प्लेन वाला। ये देखो भाई हाई लोडिंग करना है इसकी भाई, ये देखो ये हाई बीम हो गई, अरे वाह लो करना, ये देखो हाई लो बीम भाई, ये कुछ इस तरीके की रेंज इसकी भाई खूब बहुत बढ़िया है। ये चेक करो भाई, ये देखो अगर थोड़ा सा आगे की तरफ आएंगे तो ये आपको रेंज इसकी चेक हो रही होगी, ये देखिए भाई। तो अगर इसको थोड़ा सा ऊपर करें तो ये देख लो भाई, ये कुछ इस तरीके से है, फुल आउटपुट मिलने वाला है। ये देखो हाई बीम करना, ये देखो भाई ये भी बहुत बढ़िया प्रोजेक्टर रहने वाला है। आप इसकी रेंज चेक कर रहे हो भाई, क्या अल्टीमेट है। तो इसकी क्या कॉस्टिंग वगैरह रहने वाली है और कितने वाट का है ये भैया? ये ऑलमोस्ट दोनों जो हैं आपके 130 से 150 वाट के बीच में आएंगे, और इसकी जो कॉस्टिंग आएगी इसकी आपकी आएगी 9500 विदाउट लेजर वाले की। विदाउट लेजर वाले की है वो 11,500 है, विदाउट लेजर 9,500 है, और जो हमारा रेगुलर 150 वाट क्रोम लाइन जिसके ऊपर यहाँ पे क्रोम की फिनिशिंग होती है वो वाला आपका जो है 8,500 रुपए का है। और अगर एक 2 इंची में आया है लेजर वाला और एक विदाउट लेजर वाला, वो भी हम आपको आउटपुट दिखाते हैं, उसके उसका रेट भी बताते हैं। बिल्कुल, तो ये हो गया, अब नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। सो गाइस अब आ चुका है भाई अपना दूसरा वाला प्रोजेक्टर, ये देख सकते हैं विदाउट अपना लेजर है, जो हमने डब्बे में आपको दिखाया था वो लेजर वाला था ना। हाँ। तो भाई ये चेक करो, ये कुछ इस तरीके से है, अरे वाह भाई बहुत ज्यादा एक्टिवेट है, ये चेक करो। तो ये कितने वोट का अपना? ये भी सेम वोल्टेज, सबकी सेम है, वोल्टेज में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है साइजेस बदल रहे हैं। ये 2 इंच का है ना, ये 2 इंच में है, तो ये देख सकते हो ये कुछ इस तरीके आउटपुट रहने वाला है इसका। करना इसका एक बार हाई लो करो, ये देखो ये इसका हाई बीम हो गया, ये चेक करो लो करना, ये देखो भाई ये कुछ इस तरीके का आउटपुट इसका रहने वाला है। ये देख सकते हो कितनी कवर कर रहा है, ये एरिया देखो है ना, इसकी चौड़ाई देखो, ये देखो भाई इधर से लेके इधर तक पूरा, ये देखो इतना एरिया, अरे वाह। तो इसका क्या प्राइस आता है मन्नू भैया? इसका 9,500 रुपये, 9,500 रुपये 2 इंच वरना वगैरह फॉर्चूनर वगैरह उनके लिए है ना। हाँ। ये देख सकते हो भाई, तो ये हमने 2 इंच वाले ये वाला चेक कराया, लेजर वाला आपको जो डब्बे में था वो तो मेरे ख्याल से शायद 1,000 रुपये महंगा होगा, 10,500 का जाएगा लेजर वाला, और ये वाला जो है आपका 9,500 जाएगा, और जो आपका 3 इंची है वो आपका जाएगा 99,000 के आसपास, और जो आपका 3 इंची लेजर वाला है वो 11,500 जाएगा। बिल्कुल, तो अब ये हो गया, अब नेक्स्ट चेक कराते हैं नेक्स्ट कौन सा रहने वाला है। 200 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है रेट में कभी कभी, बाकी ऑलमोस्ट प्राइसिंग यही है। बिल्कुल, तो ये हो गया, अब आपको नेक्स्ट चेक कराते हैं हम इसका। तो गाइस अपना भाई लास्ट प्रोजेक्टर आ चुका है, ये देखो क्रोम लाइन वाला जो कह रहे थे भैया, जीवा का ये देखो, ये कुछ इस तरीके से है, अरे वाह भाई बहुत बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है ये। आप जीवा भी ले सकते हो, GTR भी ले सकते हो, और जो आपके दिखाए उनमें से कुछ भी ले सकते हो, है ना। तो इसका हाई बीम करना इसका, ये देखो भाई, तो इसका हाई भी मेरे को लग रहा है कुछ ज्यादा दूर तक जा रहा है, थोड़ा ज्यादा शार्प है ना। ये देखो भाई, आपको दिखा रहा हो तो ये देखो भाई, शार्पनेस इसमें बहुत ज्यादा है, मतलब हाई बीम की है।
हाँ ये देखो तो है इसकी हाई बीम। ये देखो भाई क्या बढ़िया आउटपुट आ रहा है, ये अपने 150 वाट वाला है ना, 150 वाट वाला, 8,500 वाला, 8,500 वाला, मतलब 11,500 था ऑफर में, 8,500 करा हुआ अभी, बिल्कुल मतलब ऑफर प्राइस है, अगर किसी को लगवाना ना फटाफट लगवा लो, नहीं तो भाई टाइम पीरियड खत्म हो गया ना, फिर मत कहना कि मन्नू भैया आपने वीडियो में तो इतना बताया था, आप महंगा कर दिया, ऐसे कर दिया है ना, बाकी देख लेंगे अगर कुछ और डिस्काउंट भी होगा तो जब कॉल में बात करेंगे तो बिल्कुल, और आपके अंदर नहीं और प्रोडक्ट, तो अगर आपको पता ही है कि ऑनलाइन भी मंगा सकते हो और घर बैठे मंगा सकते हो, डिलीवरी है कभी भी कहीं भी मंगाइए, सीओडी ऑप्शन अवेलेबल है, सीओडी पे पैसे एक्स्ट्रा होते हैं, सीओडी के अगर मान लो 10,000 रुपये की आइटम है आपकी तो उसके अंदर जो आपका कोरियर चार्ज होता है उसके अलावा मैं आपको 500 से लेकर के 1,000 रुपये का आपका चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। बिल्कुल, तो भाई देखो ये हो गए हमने सारे प्रोजेक्टर अपने दिखा दिए 6 के 6 है ना, तो आपको जो भी रिस्पॉन्स बढ़िया लगा हो स्क्रीनशॉट लेके भैया को भेज सकते हो, नाम बता सकते हो, उन्होंने सभी के नाम बताए हैं है ना, Q8 बताया, Q8 Pro बताया है, एक 2 इंची में लेजर है, एक 2 इंची में विदाउट लेजर है, बिल्कुल, एक हेडलाइट प्रोजेक्टर था और एक ये वाला क्रोम वाला प्रोजेक्टर था, क्रोम रिंग वाला, बिल्कुल, तो ये है भाई इस तरीके का हमने टोटल ओवरऑल आपको सारी चीज दिखा दिया है, ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, घर बैठे मंगाना चाहते हो घर बैठे मंगा सकते हो, इसलिए अभी शायद इसकी हमने अपडेट नहीं करी है, होप सो जल्दी कर देंगे, डार्क एडिशन की भी अभी नहीं करी थी जस्ट बिकॉज ऑफ एक डुप्लीकेट कॉपी ना हो जाए जल्दी, बिल्कुल बिल्कुल, काफी सारे प्रोडक्ट की हमारी कॉपी बहुत जल्दी होती है, तो उस चक्कर में हमने डार्क एडिशन को अभी तक ऑफिशियली अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं किया है, बिल्कुल ऑफलाइन ही ज्यादातर बेच रहे हैं, बट धीरे धीरे करके उसको भी रिवील करेंगे और उसको एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे, बिल्कुल, तो ये है भाई आपको सारी चीज हमने दिखा दी है, अगर कोई भी आना चाहता है शिव का सीरीज, बालाजी का सीरीज, बालाजी का सीरीज पे आ सकता है, करोड़ बाग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, किसी की गाड़ी गाड़ी के अंदर ऑप्शन नहीं होता है कि फॉगलेट का ऑप्शन है ही नहीं है, नहीं लग सकता, एक जो एक डायग्राम होता है उस हिसाब से नहीं बना हुआ कि आपके गाड़ी प्रोजेक्टर लग सके, तो भाई सबसे बड़ी ऑप्शन है कि यहाँ पे ग्रिल में कटिंग करवाओ, यहाँ पे लगवा सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइटें कम है और आप सफिशिएंट लाइट चाहते हो तो ग्रिल में कटिंग करवा के भी लगवा सकते हो, बिल्कुल, तो देखो भाई ये कुछ इस तरीके से सारी चीजें हैं, और भाई रिस्पॉन्स वगैरह आपको पता ही, आप आके यहाँ पर आराम से इजीली चेक कर सकते हो, बिल्कुल, तो भाई हमने सारी चीज आपको दिखा दी है, तो गाइस अगर यहाँ तक वीडियो के अंदर ऑलरेडी रिस्पॉन्स हर चीज का दिखाया है, रिस्पॉन्स दिखाने का मतलब यही होता है भाई, ये वाला आप इजीली चूज कर सको, आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए, आपको Q8 चाहिए, Q8 Pro चाहिए, Q8 जो है 3 इंचेस है, Q8 Pro 3 इंचेस में लेजर है, 2 इंचेस वाला लेजर विदाउट लेजर है, एक हेडलाइट का है और एक 150 वाट जीवा है, बिल्कुल, तो देखो ये है सारी चीजें आपको ओवरऑल हमने सारी चीजें दिखा दी है, तो गाइस अगर यहाँ तक वीडियो देख लो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।